बीएसपी प्रमुख मायावती ने मेरठ की रैली में बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। मायावती ने कहा कि ईवीएम को लेकर हमारे आरोपों से लोगों का ध्यान हटाने और सियासी फायदे के लिए सहारनपुर में जातीय दंगे कराए गए। गौरतलब है कि मायावती ने अपनी सियासी ताकत की आजमाइश के लिए पश्चिमी यूपी में रैलियों के साथ नई कवायद की शुरुआत की और मेरठ में पहली रैली सोमवार को है। सरकारें बनी हैं तो तब से इन्होंने अपने खासकर हिंदुत्व वे आरएसएस के एजेंडे को लागू करने के लिए अपनी जातिवादी संकीर्ण सांप्रदायिक व पूंजीवादी सोच के तहत चलकर यहाँ उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों कमजोर तबकों धार्मिक अल्पसंख्यकों मजदूरों किसानों एवं मध्यम वर्गीय लोगों का हर मामले में वे हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया।